हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो का टाइटल से आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि आज का वीडियो क्या आने वाला है और ये वीडियो को हम यूट्यूब में क्यों डाल रहे हैं बोलने से वो हम आगे जाके बताएगा। तो ये चीज़ शुरू हुआ है लास्ट ईयर का अक्टूबर से, मतलब एक साल हो ही गया ये चीज़ को लेके। तो क्या हुआ है कि वो भैया का ना जो भी फीमेल फ्रेंड होता है, भैया उन लोग के साथ हैंग आउट करके फोटो वगैरह सोशल मीडिया में पोस्ट करने से पता नहीं ये इंसान है कौन, स्क्रीनशॉट करके अकाउंट बना लेते सीधा। तो उसमें क्या हो रहा है कि भैया के साथ साथ ना भैया का फ्रेंड लोग का नाम भी बदनाम हो रहा है, और सिर्फ एक अकाउंट ऐसा नहीं, बहुत सारा अकाउंट खोला है। तो मेरे पास बाकी लोग का स्क्रीनशॉट तो है नहीं, बस तीन है, तो तीन को हम आप लोगों के साथ शेयर करेगा कि वो क्या है। और भैया का फ्रेंड लोग का प्राइवेसी को हम ध्यान रखते हुए उन लोगों का नाम को हम जो पब्लिक नहीं कर देगा, नाम और फोटो वगैरह को, क्योंकि उसमें उन लोगों का कुछ गलती है ही नहीं। पता नहीं ये इंसान मतलब ऐसे क्यों कर रहा है। और हम लोग को इतना आइडिया हो गया कि ये इंसान जो हम लोग को जानते हैं, लाइक बहुत अच्छा से जानते हैं, क्योंकि हम लोग जितना भी अकाउंट, लाइक मेरा अकाउंट को भी वो जो ब्लॉक करके रखते हैं, ये हमेशा अपना फेक अकाउंट खोलने से पहले हम लोग को ब्लॉक करके रखते हैं। तो इतना तो पता चल गया कि ये इंसान हम लोग को बहुत अच्छा से जानते हैं। सबसे पहले तो ये इंसान को हम वार्निंग दे देगा, भैया जो शांति है बोल के अभी तक वो कुछ एक्शन नहीं ले, बट अभी टू मच हो रहा है ये चीज़ जो, तो भैया जो अभी एक्शन लेने वाला है। जब कोई इंसान ना अगर आप लोग का नाम पे फेक अकाउंट वगैरह खोलते हैं, तो देखो उन लोग का पनिशमेंट क्या है, 3 ईयर्स आप लोग को जेल लग सकता है, वो भी फाइन के साथ। तो ये इंसान ध्यान में रखो, क्योंकि हमको पता है आप मेरा वीडियो देखेगा, और ऊपर से आपको पकड़ लिया बोलने से हम लोग तो पब्लिकली मीडिया में आपको अपोलॉजी मांगने देगा। और हम लोग को पता चल गया कि ये इंसान मेरा यूट्यूब भी देखता है हल्के, क्योंकि जो रिसेंटली अकाउंट खोला है वो भैया और भैया का दो दोस्त था उसके, जिसके साथ हम लोग घूमने गया था, तो वो दी का नाम पे भी अकाउंट खोल दिया, और मेरा यूट्यूब से ही वो जो स्क्रीनशॉट लेके डीपी में फोटो डाल रहा है। ये इंसान ना लिमिट क्रॉस कर दिया है, इसीलिए हमको पता है आप मेरा वीडियो देख रहा होगा, तो टेक इट एज अ वार्निंग, लाइक सीरियस वाला वार्निंग, ये आपका लास्ट वार्निंग है। और अभी हम लोग जाके वो अकाउंट को दोबारा सर्च करेगा, फिर वो नाम आ रहा है बोलने से भैया सीधा जाएगा एफ आई आर देने के लिए। और आपको पता ही होगा कि टेक्नोलॉजी इतना हाई हो गया, तो आपका अकाउंट को आपको पकड़ने के लिए हम लोग को ज़्यादा भी समय नहीं लगेगा। एंड आई बिलीव कि आप एक अच्छा खानदान से ही बिलोंग करता होगा, तो आप ये सब हरकत करने से पहले अपना फैमिली के बारे भी सोचो, क्योंकि एक बार आप अगर एक्सपोज हो गया तो आपके साथ साथ आपका फैमिली का नाम भी बदनाम होगा। तो इससे पहले कि हम लोग कुछ लीगल एक्शन लेगा, आप जल्दी से जो जितना भी अकाउंट खोला है वो सब डीएक्टिवेट कर लो। और हम आपको यही बोलेगा कि आप इतना क्रीपी है कि मतलब हम भी इतना भैया का फ्रेंड के बारे नहीं जानते कि जितना आप जान रहे, मतलब भैया जितना भी फीमेल फ्रेंड बनाओ उन सब का एक अकाउंट खोल देते हैं, पता नहीं फोटो भी कहाँ से मिल जाता होगा। इतना क्रीपी है कि हमें डर लग रहा है, और आपके पास इतना टाइम है कि मतलब पूरा भैया के बारे में हमेशा दिन भर ढूंढते रहते कि क्या कर रहे हैं वो, क्या नहीं कर रहे, किसके साथ घूम रहे हैं। और पूरा अगर किसी लड़की के साथ घूम रहे तो सीधा फोटो स्क्रीनशॉट मार के नया अकाउंट बना लो। और चलो स्क्रीनशॉट मार के अकाउंट बनाना तो ठीक है, बट क्या होता है कि वो लड़की लोग का नाम को भी जान जाते हैं। तो हम जो थोड़ा वो जो अकाउंट खोला था उन लोग का मेरे पास स्क्रीनशॉट है, तो उन लोग के बारे हम थोड़ा कुछ बता देगा कि क्या है। तो क्या है, एक रिसेंटली जो खोला है वो हम बताया था पहले कि मेरा यूट्यूब से स्क्रीनशॉट मार के जो खोला है बोलने ला, तो उसमें इतना क्रीपी है, देखो ना वो डी का नाम को, पता नहीं डी का नाम को भी कैसे मालूम चला है, और ये इंसान है भी कौन, लड़का है ना लड़की है वो भी हम लोगों को नहीं पता, दोनों जहाँ पे आ रहा था उसको स्क्रीनशॉट करके डीपी में रख लिया। उसके बाद ये लास्ट ईयर जो भैया भेजा हुआ था वो मेरा व्हाट्सएप हिस्ट्री में अभी तक था, तो हम उसको ढूंढ के मिला है। तो वहाँ में क्या हुआ है कि उसमें भी भैया का दोस्त का नाम को वो डाल के, उसका फोटो वगैरह स्क्रीनशॉट करके डाल के, क्या होते हैं अपना बायो में जो क्या किया है, भैया का नाम को लिख के पिन वाला इमोजी डाल के फिर रेड हार्ट वाला इमोजी डाला, ये सब क्या। उसके बाद से और देखिए, ये भैया का दोस्त है उसका भी नाम लिखा है, और भैया वो दोनों का फोटो को डीपी में डाला है। फिर डालने के बाद क्या किया, अपना जो नाम होता है यूज़र नेम बोल के और एक नाम होता है ना इंस्टाग्राम में, तो वहाँ पे क्या किया वो लड़की का नाम लिखा है, फिर लास्ट में बीजी क्या होता है बोमतो गारा। तो इतना मतलब क्रीपी वाला और इतना क्रिंज वाला हरकत कर रही है इंसान जो, तो यही बोलेगा आप जो क्या कर रहे हैं, आप लिमिट क्रॉस कर लिया है। एक अकाउंट खोलने से भी अलग बात था, 4-5 अकाउंट हो चुका है, और 4-5 अकाउंट में से 3 अकाउंट का मेरे पास जो स्क्रीनशॉट है। तो अब अपना ये हरकत बंद नहीं करेगा तो भैया जा रहे हैं एफ आई आर देने के लिए।
तो अपना पर्सनल फीलिंग्स को साइड में रखते हुए तो अपना फैमिली का बारे भी सोचो. वंस आप एक्सपोज हो गया तो आपका फैमिली का नाम भी बदनाम होगा. तो यही बोलेगा आपको, और इतना सब कुछ सुनने के बाद तो थोड़ा दिमाग तो आ ही गया होगा कि ये सब चीज़ नहीं करना. आई होप कि आप जितना भी वो सब क्रीपी वाला फेक अकाउंट खोले उन लोगों को डीएक्टिवेट कर लेगा और आगे जाके ये सब हरकत नहीं करेगा. और ऐसे हो गया था कि भैया मेरा वीडियो में अभी से नहीं आएगा ऐसे बोल रहा था, बट फिर भी हम जो सोच रहा था उसको आने देगा. लेकिन अभी हम ही डर लग रहे, मेरे भैया को हम जो वीडियो में आने देगा तो क्या पता फिर से एक नया अकाउंट बन जाएगा होगा. तो हम ही खुद अभी भैया को अपना वीडियो में आने नहीं देगा अगर ये इंसान अपना ये क्रीपी वाला हरकत को बंद नहीं करेगा तो. और हाँ, ये वीडियो एंड नहीं करने से पहले हम ये बोलेगा कि प्लीज़ आप लोग भी ये सब हरकत मत करो. इतना क्रीपी सुनते हैं आप, सोचो अगर आपका नाम पे कोई इंसान ऐसे अकाउंट खोलते जा रहे लाइक कैसे फील होगा. दिस इज़ वेरी वेरी क्रिंज एंड वेरी क्रीपी एज वेल. सो प्लीज़ स्टॉप दिस थिंग. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.